वर्तमान में जो ये नैक की प्रक्रिया चल रही है विश्वविद्यालय के अंतर्गत, ये है गुणवत्ता के संवर्धन में की जाने वाली एक एक्सरसाइज है। अर्थात जब नैक से विश्वविद्यालय का मूल्यांकन और प्रत्यायन हो जाएगा तो विश्वविद्यालय की जितनी भी गतिविधियां हैं उन सभी गतिविधियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट मान्यता प्राप्त होगी, विद्यार्थियों को विशेष महत्व मिलेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि गुणवत्ता के संवर्धन की दृष्टि से भारत सरकार के द्वारा जो ये सोचा गया कि सारे विश्वविद्यालयों में नैक कराया जाना चाहिए, नैक के अंतर्गत मूल्यांकन हो और प्रत्यायन हो विभिन्न सुविधाओं का, विभिन्न संवर्गों में, जैसे कि जो आपकी विषय वस्तु है, करिकुलम है, जो पाठ्य सामग्री है, या जो विद्यार्थियों को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, या इसी प्रकार जो ढांचागत संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, इन सब की एक समग्रता में समीक्षा होती है। और इस प्रकार की जो ये समीक्षा है, ये समीक्षा की प्रक्रिया पूरी पूरी दो चरणों में विभाजित है। पहला चरण जो है इसका, ये तो गणितीय है, अर्थात जो सुविधाएं हमारे पास हैं उनके लिए अंक निर्धारित हैं और उन निर्धारित अंकों में यदि हम आते हैं तो स्वतः ही हमें मिल जाएंगे। एक पक्ष इसका जो है वो गुणात्मक है, यानी क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव के अंतर्गत जो नैक की एक टीम आएगी विश्वविद्यालय में और नैक की टीम विश्वविद्यालय में जो सुविधाएं हमने कहीं कि हमारे यहाँ हैं उन्हें देखेगी और देखने के बाद अगर उसे लगता है कि हमारा जो दावा है वो सही है तो उनमें भी हमें अंक प्रदान किए जाएंगे। और इस प्रकार ये जो गुणात्मक है और परिमाणात्मक है, जो क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव है, इन दोनों पक्षों को मिलाकर विश्वविद्यालय का नैक का जो ये असेसमेंट है ये पूरा हो जाएगा। अब इस प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है और वो है विद्यार्थियों के द्वारा फीडबैक दिया जाना। नैक के द्वारा विद्यार्थियों को प्रश्नावली भेजी गई है। इस प्रश्नावली में कुल 21 प्रश्न हैं और ये प्रश्नावली कुछ छाट कर विद्यार्थियों को भेजी जाती है, सभी को नहीं जाती लेकिन अधिक बहुत से विद्यार्थियों को जाती है। इसमें से लगभग 6000 विद्यार्थियों ने वापस जब हमारा फीडबैक भेज देंगे वो नैक को, तो उसके बाद नैक की टीम जो है वो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में आएगी, विजिट करेगी। तो इसलिए मैं अपने समस्त विद्यार्थियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि उनके पास मेल के अंतर्गत नैक से कोई भी अगर फीडबैक के संबंध में क्वेश्चनायर आया हुआ है तो कृपया उस क्वेश्चनायर को सबसे पहले भरकर भेज दीजिए, क्योंकि यदि आप इस क्वेश्चनायर को भरकर भेजते हैं तो विश्वविद्यालय के नैक प्रत्यायन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंचेगी, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये उतना ही विलंब होता जाएगा, और इस प्रक्रिया में विलंब होगा तो अभी तक जितनी मेहनत विश्वविद्यालय के द्वारा की गई है वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और उसका वर्तमान में फिलहाल कोई परिणाम नहीं निकलेगा। शायद ये प्रक्रिया दोबारा से करनी पड़े हमें आगे चलकर, लेकिन प्रत्येक दशा में कम से कम 6000 विद्यार्थियों का फीडबैक नैक को मिलना ही चाहिए। और इस 6000 के फीडबैक के लिए नैक से मेल आ चुकी हैं। 12 नवंबर 2021 से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और विद्यार्थियों को शीघ्रातिशीघ्र अपना फीडबैक मेल के ही माध्यम से सबमिट कर देना है। कोई कठिन कार्य नहीं है, केवल हाँ या ना में अग्री, स्ट्रांगली अग्री, डू नॉट अग्री, इस तरह का मल्टीपल च्वाइस के 20 प्रश्न हैं, उन 20 प्रश्नों का उत्तर देना है। और जो 21वां प्रश्न है वो प्रश्न ओपन एंडेड है, माने खुला प्रश्न है, अर्थात उसके उत्तर में विद्यार्थी जो चाहें वो लिख सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो मेरी एक बार पुनः विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों से गंभीरतम अपील है, बहुत ही विनम्रता के साथ मैं उनसे बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि आपके पास यदि जो है नैक से कोई फीडबैक के लिए मेल आया है तो कृपा कर सबसे पहले, अन्य सभी काम छोड़कर सबसे पहले उस फीडबैक के फॉर्म को भरकर भेज दीजिए, जिससे कि विश्वविद्यालय के नैक के प्रत्यायन की प्रक्रिया जो है वो अगले चरण में जा सके।